खूब रंग महोत्सव आदिवासी कला संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए लगातार प्रयास है। टकटाईगढ़ के नाम से यहाँ पर ये आयोजन हुआ। टकटाईगढ़ एक विशिष्ट स्थान है जिसके संरक्षण के लिए जो पर्यटन केंद्र के रूप में वो विकसित हो सके और उसकी जानकारी देश दुनिया को हो, इसलिए भी टकटाईगढ़ के नाम से आयोजन किया गया। 10-12 गांव के लोगों ने अपनी जो संस्कृति सभ्यता है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है उसको जीवित रखने के लिए सभी लोगों ने तय किया कि इस कार्यक्रम को एक जगह किया जाए और उसका प्रचार प्रसार करके जो कमियां हैं हमारे समाज में उसको जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विलुप्त होती जा रही संस्कृति सब हमारी धरोहर उसको जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर हमारे अच्छे कलाकार वहाँ जाकर अपनी प्रतिभा निखार सकें। अब देखे होंगे, एक तो उमरिया जिले में जो बंजारा समाज है, नायक समाज है, इसी क्षेत्र में रहता है, उनकी विशिष्ट परंपरा है, उनकी विशिष्ट बोली है, विशिष्ट पहनावा है, उनकी विशिष्ट संस्कृति है, उसकी अद्भुत झलक हमको यहाँ पर देखने को मिली। उसका भी संरक्षण होना चाहिए। उस समाज से हमारा निवेदन है कि वो नए लोगों को इसके बारे में ट्रेंड करें और वो संस्कृति ख़त्म न हो। हमारे कार्यक्रम जो हुआ बंधवा टोला पे 12 टीमों की, बहुत अच्छा हुआ। इसके कारण आगे और भी हो, बहुत अच्छा हो। जहाँ पर भूमिया जाति के लोग रहते हैं, वो सबसे पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके भी एक विशिष्ट पहचान है। आप देखे होंगे कि पूरे शरीर में वो गुदाएँ रहती हैं महिलाएं वहाँ की, उनके नृत्य यहाँ पर देखने को मिला। उनका जो विशिष्ट नृत्य है भूमिया का, उसको भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। 12 गांवों की टीमों ने इस पर हिस्सा लिया, सबके इकट्ठा एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और सब मिल करके यहाँ का सहभोज का भी आयोजन किया गया है। तो एक भाईचारा, जितने लोग हम मिलके रहते हैं यहाँ पर, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समाज के लोग हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक मिलके रहते हैं, इस भाईचारा को ठीक से मजबूत करने के लिए आयोजन किया गया है।